राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगीगण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लाल जी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। एक ब्रज है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं, और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ व्रणात् च यत् फलम् प्राप्यते च अधिकं तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को उन्मत्त समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं, वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी हैं, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार ऐने होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों,
मेरे लिए इस समारोह में आना